राधे राधे दोस्तों, ये हमारी ब्रेकफास्ट थाली थी जिसमें मैंने चना दाल और चावल का छिलका बनाया था, और इसके साथ खाने के लिए चना आलू की सब्ज़ी। इसमें हमने एक कटोरी चावल में आधा कटोरी चना दाल को अच्छे से धो के रात को भिगो दिया था, और मैंने सब्जी के लिए चना भी रात को ही भिगो दिया था। अब मैंने पहले सब्जी के लिए चना और आलू को कुकर में डालकर उसमें हम नमक डालकर सीजने के लिए रख देंगे। तब तक हम चना दाल और चावल को पीस कर तैयार कर लेंगे। पानी देकर हम बारी बारी से सभी को पीस लेंगे। जब यह सभी पीस जाए तो लास्ट में बचे हुए चना दाल और चावल में ही हम मसाला भी तैयार कर लेंगे, जिसमें हम 5 से 6 लहसुन की कलियां और 4 से 5 मिर्चा और एक छोटा टुकड़ा अदरक को उसी में काट कर डालकर पीस लेंगे और उससे मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे हल्दी, नमक, धनिया, जीरा, गोलकी का पाउडर, और उसे अच्छे से घुमाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। और बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसमें हम पानी भी मिक्स करेंगे। यह जितना ही पतला रहेगा उतना ही खाने में सॉफ्ट और टेस्टी लगेगा। इसे हम अच्छे से चलाएँगे और पूरे मसाले को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसे साइड करके रख लेंगे और हम पहले सब्जी की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें सरसों तेल, 5 फ़ोरन, तेज़पत्ता, सूखा मिर्च, 1 बड़े कटे प्याज को भूनकर उसमें लहसुन मिर्चा का पेस्ट, नमक, हल्दी, टमाटर डालकर, कसूरी मिर्च, चना मसाला डालकर अच्छे से भून लेंगे और गला लेंगे। जब यह गल जाए तो इसमें आलू और चने को डालकर, इसमें किचन किंग मसाला डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। और हम डालेंगे इसमें पानी। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से चलाएंगे। अच्छे से चलाने के बाद हम इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे। जब यह पक जाए तब हम इसमें कसूरी मेथी और हरी धनिया को मिलाकर सब्जी को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम तवे पर सूती का कपड़ा लेकर सरसों तेल या राइस ऑयल से उसे अच्छे से पूरे तवे में लगा लेंगे और एक करछुल की मदद से हम इस पर बैटर डालकर चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे और इसे हम प्लेट से ढककर इसे 15 से 20 सेकंड तक इसे छोड़ देंगे। 15 से 20 सेकंड हो जाने के बाद हम इस देखेंगे कि हमारा छिलका बनकर तैयार हो चुका है और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल तवे में चिपकता नहीं है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसी तरह हम सारे बैटर छिलका तैयार कर लेंगे। बारी बारी से हम सब तैयार करने के बाद इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बना था दोस्तों, सभी को ये बहुत पसंद आया था। बड़े बूढ़े सभी को इसे बहुत आसानी से खा लेते हैं, बच्चे को भी ये बहुत पसंद आता है। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।